मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज वापस अपन लोकल एनेस्थेटिक्स में स्टार्ट करेंगे। लोकल एनेस्थेटिक्स में आज हमारा टॉपिक रहेगा लिडोकेन और एनिलाइड्स डेरिवेटिव्स। एनिलाइड डेरिवेटिव्स के अंदर अपने पास हम पढ़ेंगे यहाँ पे लिग्नोकेन, मेपिवाकेन, ट्रिलोकेन, एटिडोकेन। इसके अंदर लिग्नोकेन हम देखते हैं, तो लिग्नोकेन जो हम स्टडी करेंगे इसके अंदर, इसको हम एक नाम और कह देते हैं, इसको हम कह देते हैं जाइलोकेन। तो लिडोकेन, लिग्नोकेन और लिडोकेन तीनों नाम से ही हमको मार्केट में मिल जाएगा। जनरली जो ज़्यादा ही जो नाम मार्केट में चलता है वो है जाइलोकेन। इसके बाद ये इसका स्ट्रक्चर हो जाता है। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम देखते हैं यहाँ पे, तो इसके अंदर है 2-diethylamino एंड 2,6-dimethylphenylacetamide, फिनाइल एसिटामाइड। तो अब इसके नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग हम देखें तो 2-diethylamino, तो 2-diethylamino अपने पास क्या हो गया, ये अपने पास दो एथाइल ग्रुप है, ये एमिनो ग्रुप यहाँ पे हो गया। फिर यहाँ पे एन कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो 2,6, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इस वाले एन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे 2,1,2,3,4,5,6 डाइमेथाइल यहाँ पे हो गया फिनाइल। फिर ये अपने पास हो गया एसिड, तो 1,2, तो एसिड बोला हमने, मतलब दो एसिटामाइड, तो ये अपने पास एसिटामाइड ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने क्या देखा, जाइलोकेन का स्ट्रक्चर किस तरह का है। इसकी मैकेनिज्म को अगर हम स्टडी करें तो मैकेनिज्म वही है उसका जैसा हमने पहले लोकल एनेस्थेटिक का देखा है, कि नर्व सिंपल्स को जाने नहीं दे जाए, लोकली वहाँ पे बाइंड करना है, परमानेंट नहीं करना है, कुछ टाइम पीरियड के लिए यहाँ पे इसको बाइंड करके इंपल्स को नहीं जाने देना है। इसका यूज देखें तो यूज है दे इनफिल्ट्रेशन नर्व ब्लॉक्स एंड सरफेस एनेस्थेसिया, आल्सो यूज फॉर द डेंटल एनेस्थेसिया। तो जनरली हमारे पास ये जनरल एनेस्थेसिया के फॉर्म में डेंटल केस में यूज होती है, और जो स्प्रे वगैरह जो हमारे आते हैं वो भी हमारे पास लिग्नोकेन के नाम से मार्केट में हमको देखने को मिल जाते हैं, जाइलोकेन के अकॉर्डिंग हम यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है मेपिवाकेन। मेपिवाकेन जो हमारे पास ड्रग है, मेपिवाकेन का स्ट्रक्चर हम देखें तो यहाँ पे अपने पास होता है 1-methyl and 2,6-dimethylphenylpiperidine 2-carboxymide। तो कार्बोक्सीमाइड वर्ड हमने यहाँ पे यूज में लिया है, तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं 1-methyl, 1-methyl N पोजीशन पे हमारे पास डाइमेथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। तो यहाँ पे इसके अंदर इस कंडीशन में हमने बोला तो इसके अकॉर्डिंग 1,2, तो मेथाइल तो हम यहाँ से इसके अकॉर्डिंग लेके आए, और यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, 2,6-dimethyl लगा दिया, और ये फिनाइल, तो ये अपने पास 2,6-diphenyl वाला ग्रुप हो गया। पिप्रिडीन, ये हमारे पास पिप्रिडीन ग्रुप है जिसकी हमने फर्स्ट पोजिशन पर हमने यहाँ पे मेथाइल ग्रुप को लगा दिया है, और इसकी सेकेंड पोजिशन जो हमारे पास है कार्बेमाइड है, तो कार्बेमाइड को हमने यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग इसको एक सब्स्टिट्यूट ग्रुप के अकॉर्डिंग कंसीडर किया है। तो यहाँ पे कार्बेमाइड हमारे पास हो गया, तो ये कार्बेमाइड मेन है, तो इसके अंदर नोमेनक्लेचर में हमने यहाँ पे एक इस रिंग को तीन पार्ट में थोड़ा, एक इसको, एक इस वाली रिंग के अकॉर्डिंग, और एक ओवरऑल कार्बन को इंक्लूड करते हुए अपने इसको कार्बेमाइड बोल दिया। तो इस तरीके से मेपिवाकेन हो गया हमारे पास, इसका यूज भी हम कर रहे हैं तो एपिड्यूरल एंड नर्व ब्लॉक एनेस्थेसिया के लिए यूज कर रहे हैं, डेंटल प्रोसीजर के फॉर्म में इसको यूज में लेते हैं, और मैकेनिज्म है तो वही अपने पास जैसा कॉमन मैकेनिज्म है, सोडियम चैनल को ब्लॉक करना। प्रिलोकेन हम देखते हैं नेक्स्ट ड्रग, तो प्रिलोकेन हम देख रहे हैं तो इसको हम क्या करें, N,2-dimethylphenyl, तो N कंडीशन से हमारे पास जुड़ा हुआ है, फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो यहाँ इस वाले एन की बात कर रहे हैं, यहाँ इस कंडीशन में, इस कंडीशन से 1,2, सेकंड पे मेथाइल, फिर एन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बात करें 2-propylamino propanamide वर्ड हमने यहाँ यूज किया है, तो प्रोपेनेमाइड हमारे पास यहाँ इस कंडीशन में आ गया। अब यहाँ पे भी हम क्या कह रहे हैं, सेकेंड कंडीशन, किसकी सेकेंड कंडीशन, 1,2, ये सेकेंड कंडीशन पे ये वाला ग्रुप हमारे पास जुड़ा हुआ है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, 2-propylamino, तो 2-propylamino, ये अपने पास 3, 1, 2, 3 तीन कार्बन का propylamino, यहाँ पे हमारे पास प्रोपेनेमाइड, तो ये वाला स्ट्रक्चर हमारे पास हो गया प्रोपेनेमाइड। तो इसको भी हमने तीन में तोड़ा, फर्स्ट ये वाला ग्रुप, सेकेंड सब्स्टिट्यूट, और ये हमारे पास प्रोपेनेमाइड मेन के फॉर्म में, तो ये हमारे पास हो गया ट्रिलोकेन। ट्रिलोकेन के अंदर हम देखें
यूज तो इसका भी मैकेनिज्म सेम है लोकल एनेस्थेटिक का, सोडियम चैनल को ब्लॉक करेगा, नर्व सिंपल्स को नहीं जाने देगा, यूज फॉर द इनफिल्ट्रेशन, नर्व ब्लॉक एनेस्थेसिया, ए मिक्सचर ऑफ प्रिलोकैन एंड लिग्नोकैन, यूटैक्टिक मिक्सचर इज यूज एज द टॉपिकल डोजेस फॉर्म। तो यूटैक्टिक मिक्सचर के फॉर्म में हम इसको बनाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हो गया एटिडोकैन। एटिडोकैन जो हम कह रहे हैं एटिडोकैन, इसका स्ट्रक्चर इस तरह का है। इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम देखें तो वापस N2,6-dimethyl फिनाइल और ये अपने पास फिनाइल। N पोजीशन नाइट्रोजन से सब्स्टिट्यूट के फॉर्म में जुड़ा हुआ है। सेकंड पोजीशन पे हम यहाँ पे बोल रहे हैं एथाइल प्रोपाइल एमिनो, एथाइल प्रोपाइल एमिनो सेकंड पोजीशन पे। तो किसके कंडीशन पे? ब्यूटामाइड। तो ब्यूटामाइड जो हमने लगाया था, ब्यूटामाइड मेन हमारे पास क्या हो गया, जहाँ से हम कह रहे हैं 1, 2, 3, 4, ये हमारे पास ब्यूटामाइड। और इसके अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं तो 1, 2, 3 प्रोपाइल, 1, 2 एथाइल। तो सेकंड पोजीशन पे इसकी नंबरिंग 1, 2, 3, 4, तो सेकंड पे हमारे पास क्या हो गया 2-ethyl propyl amino butamide। इसको भी हम मैकेनिज्म सेम है इसके भी, सोडियम क्लोराइड ब्लॉक करेगा, इंपल्स को जाने नहीं देगा, यूज अलोंग विद द एड्रेनालिन फॉर द इनफिल्ट्रेशन, एपिड्यूरल एंड नर्व ब्लॉक एनेस्थेसिया के फॉर्म में हम यूज में दे रहे हैं। नेक्स्ट हम मिसलेनियस के फॉर्म में आते हैं। तो मिसलेनियस के फॉर्म में हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग फर्स्ट हमारे पास है फिनाकैन। फिनाकैन को हम आल्सो होलोकैन के नाम से भी जानते हैं। फिनाकैन को हम होलोकैन, मार्केट में हमको फिनाकैन भी मिलेगा और होलोकैन भी मिलेगा, मगर दोनों एक ही ड्रग है। इसका स्ट्रक्चर हम देखें तो यहाँ पे NN20-para-ethoxyphenyl एथेन इमिडाजोन इमिडामाइड। तो इमिडामाइड हमारे पास हो गया, जोर बोल दिया गलती से, इमिडामाइड हमारे पास ये हो गया। तो यहाँ पे एन है दोनों, बीस बीस कहाँ पे यूज लेते हैं हम, जहाँ पे दोनों स्ट्रक्चर एग्जिस्ट है। तो यहाँ पे एक का नाम लिया और दूसरे को भी हमने दूसरी साइड पे उसके अकॉर्डिंग हमने उसको ऐड कर दिया। तो यहाँ पे कौन सा ग्रुप अपने पास सब्स्टिट्यूट में हो रहा है, एन, एन से अपने पास हुआ एन एन। तो एक ये वाला एन और एक ये वाला एन, इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया पेरा एथॉक्सी फिनाइल। तो दोनों अपने आप एन हो गया, एथेन, एथेन के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं तो अपन क्या बोल रहे हैं 1, 2, तो एथेन इमिडामाइड। तो इमिडामाइड के फॉर्म में हमने इसको इमिडामाइड, क्योंकि यहाँ दो हो गए तो इमिडामाइड के फॉर्म में हमने इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। इसको भी हम यूज ले रहे हैं तो ऑप्थेल्मोलॉजी के अकॉर्डिंग हम यूज में लेंगे, आँख के अंदर हम डालने में इसको, जो अपने आप में यूज कर रहे हैं आँख के अंदर हमको अगर एनेस्थेसिया देना है तो इसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे इसका अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें तो वो भी सेम ही है। नेक्स्ट हमारे पास ड्रग आती है इसके अंदर डिप्रोडोन। डिप्रोडोन हमारे पास ड्रग है, तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर है, कॉपी में बना के याद करना पड़ेगा। इसके अंदर हम कह रहे हैं 3-1-propendiol-bisphenyl-carbamate। तो यहाँ पे हमारे पास इसके अकॉर्डिंग, तो सबसे पहले हमारे पास बिस फिनाइल कार्बामेट, तो बिस फिनाइल दो एक जैसी हमारे पास दिख रही हो स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे कार्बामेट के फॉर्म में हम देख रहे हैं, ठीक है, दोनों एक जैसी स्ट्रक्चर देख रही है। इसके साथ में हमने इसको भी लगा दिया है यहाँ पे। दूसरी कंडीशन में 1,2-propendiol, तो propendiol के फॉर्म में हम बोल रहे हैं 1,2, तो डाईऑल यहाँ पे, तो ये हमारे पास डिप्रोडिन। तो स्ट्रक्चर तो सही है डिप्रोडोन, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका यूज हम कर रहे हैं टॉपिकल एनेस्थेसिया के फॉर्म में यूज में ले रहे हैं। नेक्स्ट अपने पास हो गया डिबुकैन। तो डिबुकैन हम देख रहे हैं, तो डिबुकैन इसको हम कह देते हैं सिंकोकैन। सिंकोकैन इट इज मोस्ट पोटेंट, मोस्ट टॉक्सिक, लॉन्गेस्ट एक्शन लोकल एनेस्थेटिक ड्रग। इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर इसका हो गया, ये स्ट्रक्चर N2-diethylamino-ethyl-2-butoxyquinoline-4-carbamide। तो हमारे पास कार्बामाइड के फॉर्म में हमने बोल दिया कार्बामाइड, ये कंडीशन हमारे पास हो गई। ब्यूटोक्सी क्यूनोलिन, 2-butoxyquinoline, और इसके अंदर N, N पोजिशन, यहाँ वाली N पोजिशन 2-diethylamino
एथेन, तो एथेन एथाइल हमारे पास क्या हो गया, 1, 2 एथाइल, ये वाली कंडीशन। ब्यूटॉक्सी, ये अपने पास ब्यूटॉक्सी कंडीशन सेकंड पे, 1, 2 ब्यूटॉक्सी, ये अपने पास किनोनिन। और इसके बाद में ये जो अपने पास बचा वो क्या बच गया, अपने पास कार्बोमाइड हमारे पास हो गया। तो ये हमारे पास मेन कार्बोमाइड हमारे पास यहाँ पे स्ट्रक्चर रह गई, तो ये कार्बोमाइड स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे बना दिया इसको। इसकी सिंथेटिस हम देखते हैं, तो ये सिंथेटिस है बुक के अकॉर्डिंग है, जैसा बुक के अकॉर्डिंग है उसी के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे आइसाटीन हमारे पास है, जब उसकी हम एनहाइड्राइड से रिएक्शन करा रहे हैं अपने पास एथेनॉइक एनहाइड्राइड से, तो यहाँ पे इस तरीके की स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। फिर वापस इसी की फर्दर रिएक्शन ये इस फॉर्म में चेंज हो गया, एक से छोटा बड़ा काफ़ी बड़ा है। PCl5 से हमने इसका रिडक्शन करा दिया, मतलब HCl हमारे पास यहाँ पे हट जाएगा, OH के यहाँ पे रिप्लेस हो गया। तो ये स्ट्रक्चर है बुक के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया अपने पास, जो हमने सिंथेटिक देखा। तो इस सिंथेटिक को 3-4 बार कॉपी में बना के देखना। डिबुकेन इज यूज एज ए सरफेस एनेस्थेसिया ऑन द लेस डेलिकेट म्यूकस मेम्ब्रेन लाइक द एनल केनाल। तो एनल केनाल के फॉर्म में हम इसको वहाँ पे लगा रहे हैं जहाँ पे हमको कोई इंस्ट्रूमेंट इंसर्ट करना होता है, तो डिबुकेन को हम वहाँ पे एनल केनाल के फॉर्म में वहाँ पे यूज करते हैं। कैन बी यूज द पेरेंट्रली फॉर द स्पाइनल एनेस्थेसिया, तो स्पाइनल एनेस्थेसिया के फॉर्म में भी हम इसको यूज में लेते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे लोकल एनेस्थेटिक्स को कंप्लीट कर दिया है। जनरली लोकल एनेस्थेटिक के स्प्रे में हम जनरली देखते हैं मार्केट में, तो जाइलोकेन हम वहाँ पे लेके आते हैं, और डॉक्टरी सलाह के अकॉर्डिंग भी हम देखते हैं कि जाइलोकेन या लिग्नोकेन या जिसी को हम बोल रहे हैं डिडोकेन, ये अपने घर में होना चाहिए, ताकि कभी भी अगर कभी किसी को लगता है या कोई पेन होता है तो जनरली हम उसको यूज़ में ले सकें। तो थैंक यू।